यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तो ए वर्ष पहले उसकी आयु, तो पहले के लिए माइनस, जितना साल पहले उतनी साल माइनस कर दो। मैं आज 5 साल का हूँ, अगर पहले 2 साल तो 2 साल घटा देते हैं तो 3 साल का था मैं, 5 माइनस 2, 2 साल पहले, ये कंडीशन होती। तो पहले के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस। यदि किसी व्यक्ति की A1 वर्ष पहले आयु एक्स है, A2 वर्ष बाद आयु उसकी इतनी हो गई। A1 वर्ष पहले आयु एक्स, तो एक्स तो A1 वर्ष पहले है, तो एक्स इसके बाद A1 वर्ष बीते तो A1 जोड़ दिया, फिर A2 वर्ष बाद तो A2 जोड़ दिया, इस तरीके से। यदि किसी व्यक्ति की A1 वर्ष पहले आयु एक्स है, A2 वर्ष पहले उसकी आयु इतनी हो गई। A1 वर्ष पहले आयु एक्स, A2 वर्ष पहले, A1 वर्ष से पहले एक्स माइनस A1, आज प्रेजेंट में एक्स है, A1 वर्ष पहले एक्स माइनस A1, A2 वर्ष पहले माइनस A2, दैट्स इज द आंसर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सीता और गीता की वर्तमान आयु का रेशियो 9:11 है, 12 वर्ष बाद 34 वर्ष की हो जाते हैं। 12 वर्ष बाद गीता 34 वर्ष की, तो यहाँ पर दोनों का रेशियो 9:11 है, 12 वर्ष बाद गीता, अर्थात जो इसका रेशियो 11 है वो 34 वर्ष की हो जाती है। तो इस कंडीशंस में माना कि सीता गीता की वर्तमान आयु 9x और 11x है, तो गीता की कितनी है 11x वर्तमान में और सीता की 9x, तो 11x है और 12 वर्ष बीत गए हैं, तो 11x+12, 12 वर्ष बाद मतलब बीत जाने के बाद कितनी 34 वर्ष की हो जाती है। तो गीता की 11 2 वर्ष, तब प्रश्नानुसार क्या है, 11x+12=20 34 है, ये तो हो जाती है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1x=2, अर्थात जो 8 वर्ष पहले सीता की आयु कितनी थी, 8 वर्ष घटा घटा देते हैं जो एक्स की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर 10 वर्ष थी। इसी तरीके से एक पुत्र उसका पिता की आयु का योग 40 है, 16 वर्ष से बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी, दोनों का योग 40 है और 16 वर्ष बाद दोगुनी है, इस समय पुत्र की आयु कितनी है। माना पुत्र की एक्स है तो पिता की 40 माइनस एक्स, 16 वर्ष बाद पिता की आयु, ये एक्स है पुत्र की और पिता की 40 माइनस एक्स, इसको 40 माइनस एक्स+16, 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बीत चुके हैं, उसकी दोगुनी हो जाती है x+16, उसकी भी 16 वर्ष बीते, ये दोगुनी हो जाती है पुत्र की, तो ये पुत्र की ये है दोगुनी और ये है पिता की, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x=8, दैट पुत्र की आयु 8 होगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल तीसरा, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात, ए की आयु एक्स तो बी की आयु x-16। जैसा सवाल कह रहा है कि
6 वर्ष पहले, तो पहले के लिए माइनस एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस 16 माइनस सिक्स, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ये यहाँ पर कंडीशन है, और इसे इसी कंडीशन के अनुसार सॉल्व करते हैं, तो एक्स इक्वल टू 30। चौथा सवाल, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी से 3 वर्ष छोटा है, उसकी वर्तमान आयु का योग 82 है, उन तीनों के उसी की आयु क्या है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी एक्स ए एक्स प्लस 4, सी उससे 3 वर्ष छोटा है बी से एक्स माइनस 3, तीनों का योग कर दो, तीनों का योग ये आ गया 82, तीनों का योग 82, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 3 सी है, तो 27 माइनस 3 24 आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का रेशियो इतना था, 6 वर्ष बाद उनके उम्र में 4 वर्ष का अंतर हो तो बी की वर्तमान आयु, 8 वर्ष से पहले इतना था और 6 वर्ष बाद, तो 8 से 14 वर्ष पहले उनकी उम्र में कितना 4 का अंतर होगा, यानी 6 वर्ष बाद उनकी उम्र में कितने का अंतर होगा? 4 का। प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि यदि आ ए वर्ष बी का रेशियो इतना था, तो माना कि ए का 3x 8 वर्ष पहले इतना था, 8 वर्ष पहले 3x और 4x ये दोनों के रेशियो हो गए, इसके बाद 8 वर्ष बाद तो और प्लस 6 वर्ष बाद, 8 से 14 वर्ष बाद दोनों का अंतर, अंतर दोनों का ये है, ये दोनों की उम्र हो गई आयु, ये 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद फिर 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, दोनों का जो अंतर है, अंतर ये हो गया कितना 4 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं एक्स इक्वल टू 4 तो आंसर निकल आएगा। तो ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नीचे रेड कलर का निशान है।